डे थ्री बहुत मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे, और रात में मैंने नोटिस किया कि दूर पहाड़ पे कुछ तो स्ट्रक्चर है। कैमरे से मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन सुबह मैं देख रहा हूँ कि वो एक जाइंट बुद्धा स्टैचू है बहुत दूर। लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वहीं पे नीचे स्काई वॉक है, जो कि हमारा आज का डेस्टिनेशन भी है। सबसे खूबसूरत चीज़ है, दूर दूर तक पहाड़े हैं और उसके पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, पहाड़ों पे बर्फ जमी है, और वो कंचनजंगा हिमालयन रेंज हम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल हैं पहाड़ों पे, ऐसा लग रहा है जैसे बादल चढ़ रहे हैं, सूरज की किरणें अभी बहुत दूर हैं। तो ये बहुत ही प्लीजेंट, थोड़ा चिलनेस है लेकिन बहुत ही प्लीजेंट है और इन्जॉयबल है। बालकनी पे खड़ा होकर मैं ये सारे नज़ारे देख रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर बालकनी से नज़ारा इतना अच्छा है तो ऊपर छत से कितना अच्छा होगा वो देखने के लिए। मैंने अपने चाय के कप के साथ ऊपर का एक टूर लेना ज़्यादा सही समझा और वहाँ से ये व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। वो दूर होटल है जहाँ पे हमारे कुछ और भी कलीग रुके हुए हैं, इस होटल में हम रुके हुए हैं। जल्दी से आज का दिन शुरू करना है तो जल्दी से हम फ्रेश अप हो गए और ब्रेकफास्ट के लिए चले। जब हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे तो हमने ये पैराग्लाइडिंग देखा और हमने चार्जेस पता किए। ये 6,000 रुपये पर पर्सन का है, जिसमें आपको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके साथ एक पैराग्लाइडर जाएगा जो आपको ये पूरा पैराग्लाइडिंग के थ्रू गाइड करेगा, असिस्ट करेगा। एक्चुअली ये डिफरेंट काइंड की पैराग्लाइडिंग है आज तक मैंने जो देखी है। यहाँ से क्लिफ जंपिंग टाइप का ये है, यहाँ पे रन अप के लिए जगह नहीं है, तो क्लिफ पे जैसे जब हवाएं बहती हैं उसके साथ उड़ने के लिए जब आप तैयार होते हैं उस हिसाब से ये पैराग्लाइडिंग कराते हैं। इनकी बहुत अच्छी टीम है, 5-7 लोग। कुछ लोग पैराशूट को हवा के साथ उड़ने के लिए तैयार करते हैं, कुछ लोग आपको थोड़ी ड्रैग करते हैं और क्लिफ से नीचे फेंकते हैं, फिर आपके साथ जो गाइड जाता है वो आपको हवा में सैर कराता है। ब्रेकफास्ट के बाद अनिल ने बताया कि आज का हमारा पहला स्पॉट है कंचनजंगा वाटरफॉल, जो कि इस वेस्ट सिक्किम रीजन का हाईएस्ट वाटरफॉल है। सेम राइड फिर से शुरू होती है, माउंटेन्स के थ्रू हम जाएंगे और वही बादलों का सीन। अगर आप इसको बादलों का शहर या बादलों की का स्टेट कहें तो गलत नहीं होगा। आप जहाँ पे देखें दूर दूर तक हर पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं। कंचनजंगा वाटरफॉल तो थोड़ी दूर है, अभी हम एक छोटे से स्पॉट पे रुके हुए हैं। ये ऑरेंज गार्डन है के नाम से है, एक्चुअली ये ऑरेंज गार्डन नहीं है, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट के हैं जहाँ पे ऑरेंजेस भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। पीछे एक बहुत साफ पानी की नदी बह रही है, हम वो नदी एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे ट्रेडिशनली हम यहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो खूबसूरत रास्ता है जो हमें नदी की तरफ ले जा रहा है, रास्तों के दोनों तरफ हम ये देख सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस हैं और भी सारी चीज़ें हैं जिसे मैं एक्जैक्टली तो नहीं पहचान सकता, लेकिन है। ये नदी बहुत साफ सुथरे पानी से भरा है, मैंने जब GoPro अपना इसमें डिप किया तो मैं इसमें बबल्स देख सकता हूँ। तो जो लोग कहते हैं सिक्किम साफ सुथरा है वो मैं देख सकता हूँ। जैसे ही हम रिवर बेड पे पहुंचे हमने देखा कि पानी शैलो है तो हम पानी पे उतरे। थोड़ी प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, लाइक जो पत्थर पानी के अंदर है वो स्लिपरी है, उनसे आपको बचना है, बाकी कोई ज्यादा मेजर कंसर्न की बात नहीं है। वापस आते समय हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोकल चीज़ें बेची जा रही हैं जिसमें ट्रेडिशनल वाइन्स हैं अलग अलग फ्लेवर के। मैंने कुछ 2-4 फ्लेवर, 3 एक्जैक्टली 3 फ्लेवर मैंने ट्राई करे, एक लीची है, एक ऑरेंज है और भी कोई एक फ्लेवर था जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ऑरेंज सबसे अच्छा है, इसमें अल्कोहल बहुत लिमिटेड है, फ्रेश जूस की तरह है लेकिन थोड़ा अल्कोहलिक नेचर का है। पीते समय मुझे ये पता नहीं था लेकिन पीने के बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बॉटल तक तो ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी रास्ते में आके कंचनजंगा वाटरफॉल है और हम अब उसकी तरफ जा रहे हैं। हम कंचनजंगा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, हम ये छोटी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये थोड़ा क्राउडेड फील हो रहा है लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। पहाड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। सारी गाड़ियाँ अपने लेन पे हैं और यहाँ से भले ही क्यों ना उन्हें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ड्राइव करना पड़े, वो अप्रोप्रिएट जगह पे ही पार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, पार्किंग रोड साइड जहाँ पे भी आपको जगह मिलता है और ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो वैसी जगहों पे आप पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा ये जगह आपके सेल्फ ड्राइव के लिए नहीं है, एटलीस्ट 4-व्हीलर के लिए तो नहीं है। हमें जो सबसे पहले दिखा एक शॉर्ट चिप लाइन है और कुछ दुकानें क्यू अप है। वाटरफॉल का व्यू यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, उसके एक्सेस के लिए हमें एक सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा। तब का हम तब देखेंगे। ये छोटा चिप लाइन जो बेयरली 100 मीटर्स भी नहीं होंगे, मैंने ये ट्राई किया और मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए नहीं है। बच्चे थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी हमारे लिए है, वर्थ है छोटे बच्चों के लिए, अंडर 10 अंडर 12 के लिए एक ये अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है।
सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि छोटा सा टिकट हमें लेना पड़ेगा, तो तब हम जाकर जो मेन कंचनजंगा वाटरफॉल है, जो कंचनजंगा वाटरफॉल का मेन फॉल है, जो सबसे बड़ा फॉल है, वो हम एक्सेस कर पाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ये मैजिकल वाटरफॉल देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है। दो पहाड़ों के बीच से एक बहुत मेजर फॉल है जो कि मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत वाटरफॉल होगा, पानी भी एडिक्वेट अमाउंट में है, फॉल हाइट भी बहुत अच्छा है और पानी पूरा साफ सुथरा है। इसके बाद नीचे हमने देखा था कि छोटा सा फॉल है, उसको देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है, एकदम प्रकृति की गोद में है, प्रकृति के बीच से निकलकर वैली के बीच से बहता हुआ बहुत दूर जाता है, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। तो पैसे वसूल हैं, हमारा जो पहला एक्सप्लोर है उसके पैसे तो वसूल हैं। फॉल के रास्ते में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप ट्रेडिशनल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, झालमुड़ी, चना मसाला, और अगर छोटे मोटे स्नैक्स आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स खरीद सकते हैं। हमने चना मसाला खाया, बहुत ही अच्छा था, इकोनॉमिकल भी था। कंचनजंगा वाटरफॉल के बाद हम जा रहे हैं केचियोपेलरी लेक। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, लोकल टर्म में इसे लोग केचीपुरी लेक भी बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से ये केचियोपेलरी लेक होना चाहिए। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन इन तिब्बती वर्ड्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस लेक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 10 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, एवरेज डेप्थ 24 फीट है, और लेक का जो एलिवेशन है सी लेवल से वो 5600 फीट से, और ये वेस्ट सिक्किम में है, नॉर्थ वेस्ट टू पेलिंगटाउन, पेलिंगटाउन से ये 34 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। लेक को सो जू सो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ओ लेडी सिट हियर। ये लेक कंजर्वड एरिया के अंदर फॉल करता है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस लेक को एक्सप्लोर करने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम अपना लंच लेंगे। लंच के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, क्ले फायर्ड अवन है जहाँ पे आप पिज्ज़ा और दूसरे स्नैक्स ले सकते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स ले सकते हैं, उसके अलावा नॉर्थ इंडियन स्नैक्स और जो ट्रेडिशनल पहाड़ी खाने होते हैं जैसे मोमो नूडल्स, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। क्योंकि हम यात्रा से थोड़े परेशान हैं, इसमें हमने बहुत ही सिंपल नॉर्थ इंडियन खाना चूज किया जो कि दाल चावल और ट्रेडिशनल सब्जी है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही करेक्ट डिसीजन है हमारा, लेकिन आप निराश ना हो, खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लंच खत्म करने के बाद आपको 30 रुपए का एक नॉमिनल एंट्री फी देना पड़ता है लेक को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये 30 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है उस मैजेस्टिक हेवनली वॉक के लिए जो आप वो जंगल के थ्रू होकर जाते हैं लेक तक। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ लेक है, बीच में जंगल है और पूरी तरह से ढके हुए जंगल है। और हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, और अगर आपके पास छाता नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, तो आप 40 रुपए में छाता हायर कर सकते हैं लेक तक, और पीछे जो मॉनेस्ट्री है वो देखकर आप ये वापस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही रोमांटिक और एक डिलीशियस स्ट्रीट है वॉकर्स के लिए। थोड़ी ड्रिजल हो रही है, लेकिन वो मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है। मैं सिर्फ गोप्रो लेके जा रहा हूँ जो कि वाटरप्रूफ है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। फोन आई होप ट्रेजल से सेफ रहेगा। बहुत ठंडी हवाएं बह रही हैं, यहाँ वहाँ बर्ड्स हैं जिनकी चिरपिंग आप दोपहर में भी सुन सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल वॉक है मेरे लिए, और आई होप जो लोग पीस सीकर हैं, जो लोग वॉकर हैं, जो अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं, जो लिमिटेड लोगों की कंपनी इंजॉय करते हैं, उसके लिए जो नेचर लवर हैं, उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। सिक्किम तिब्बतन कल्चर से जुड़ा हुआ जगह है, तो ये जो मल्टी कलर फ्लैग हैं, मेनली 5 या 7 कलर के जो फ्लैग्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर, वाटर, सोयल, स्काई, उनके फ्लैग आपको हर जगह दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं वाइट फ्लैग्स आपको दिखाई देते हैं इन अ रो। वाइट फ्लैग्स लोग कहते हैं कि अपने जाने वाले की यादों में लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो 7 कलर फ्लैग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनके रिलीजन का, रिलीजियस कल्चर का। तो वो फ्लैग आप हर जगह देख सकते हैं। तो इस लेक में हर तरफ रास्तों पे, इवन रोड्स पे, हर जगह भरे पड़े हैं। लेक के व्यू पॉइंट प्लेटफॉर्म पे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, एक तो बुद्धा का स्टैचू है और दूसरा स्तूपा बना हुआ है छोटा सा, जिसके चारों तरफ वो होली बेल्स लगे हुए हैं, जिसे लोग होली चक्रा भी बोलते हैं, उसे लोग रोल करते हैं। बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि सारे लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते, जो मंत्र नहीं पढ़ सकते, जैसे हम माला फेरते हैं हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में वो इस बेल को
रोल करते हैं। यहाँ से लेक बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ये और भी ज्यादा लुक्रेटिव हो सकता था। थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, इसे थोड़ा नरिश करने की जरूरत है, फिर भी नो कंप्लेंट्स। जो वॉक था वो जबरदस्त था, ये भी मैनेजेबल है, इट कुड बी इन बेटर शेप, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वापस आते समय मैंने देखा कि एंट्रेंस के पास ही एक छोटा सा मॉनेस्ट्री है जहाँ भी पूजा हो रही है, और इस मॉनेस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमें स्काई वॉक जाना है जिसका क्लोजिंग टाइम 4:30 है, और इट्स ऑलरेडी आई थिंक 3:30, एक घंटे का समय है हमारे पास, इसलिए हम वो मॉनेस्ट्री नहीं जा रहे हैं। मैंने उसका रास्ता देखा, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, वो कलरफुल फ्लैग पाथवे बनाते हैं और पीछे मॉनेस्ट्री दिन उस आर्किटेक्चर का बहुत ही शानदार नमूना बाहर से दिख रहा है, अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो आप वो मिस ना करें, आप प्रॉपर टाइम लेकर आए, यहाँ का खाना एंजॉय करें, और हमने जो मिस किया प्लीज डोंट मिस इट। चूंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो स्काई वॉक के पास की मॉनेस्ट्री और आगे का सफर जिसमें सिंगशोर ब्रिज है जो एशिया का सेकेंड हाइएस्ट ब्रिज है, रिवर राफ्टिंग है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।